हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज आपके लिए मैं एक यूनिक किस्म का फ्लावर लेकर के आया हूं, जो कि बिल्कुल सभी फ्लावर से अलग है। और ये जो फूल है वो है राखी बेल। कई लोग इसको कृष्ण कमल भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको आम तौर से पैशन फ्लावर के नाम से हम जानते हैं। तो दोस्तों, चलिए आज हम जानते हैं इस पैशन फ्लावर के बारे में और इनको किस तरीके से आप लगा सकते हैं और क्या देखरेख करनी होती है और किस तरह का ये पौधा होता है, सभी बातों को जानेंगे। दोस्तों, इस फूल को देखते ही हमें अपना बचपन याद आ जाता है, जबकि इस तरह के बड़ी बड़ी और इस तरह के डिज़ाइन की राखियाँ हमारे हाथों में बांधी जाती थी। आज वो ज़माना कहीं पीछे छूट गया है, लेकिन इस राखी को ज़िंदा हम रख सकते हैं इन फूलों के ज़रिए। बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत अलग अलग कलर में ये फूल आते हैं और साथ ही बहुत तरह के डिज़ाइन हमें इस फूल में देखने को मिलते हैं। दोस्तों, इस फूल में आपको बैंगनी रंग, लाल रंग, गुलाबी रंग के कई शेड मिल जाएंगे और इसके अलावा जो फूल का डिज़ाइन है वो भी अलग अलग तरह का होगा, लेकिन कुल मिलाकर के सभी फूल राखी की तरह ही दिखाई देती है। कुछ पौधों की वैरायटी के फूल आकार में काफ़ी बड़े होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप बैंगनी वाला देख रहे हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हैं और इसकी बेल भी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा जो दूसरे कलर में आते हैं तो उनमें जो है थोड़े छोटे बेल में होते हैं, फूल भी थोड़ी सी छोटी होती है। दोस्तों, ये जो पर्पल कलर का आप फ्लावर देख रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा बड़ा गमला लेना ठीक रहेगा, या आपके पास अगर ज़मीन हो तो ज़मीन में इसे लगा सकते हैं और बाउंड्री वॉल के ऊपर इसको चढ़ने के लिए दे सकते हैं। ये जो फूल है मुख्यतः गर्मी में और बरसात के सीज़न में खिलता है। सर्दियों के समय इसकी फ्लावरिंग नहीं होती है, पत्ते थोड़े कम हो जाते हैं, झड़ने लगते हैं और फिर से जो है फरवरी महीने के बाद से इसमें नए नए पत्ते निकलने लगते हैं। दोस्तों, इस पौधे की जो जड़ होती है तो जड़ों से ही नए नए बेल निकलते रहते हैं और जड़ों समेत उस बेल को निकाल करके आप किसी भी पॉट में रिपोर्ट करेंगे या कहीं ज़मीन पर लगा देंगे तो वहीं से ये पौधा फैलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, कृष्ण कमल की ये और एक वैरायटी है, इसमें थोड़े से छोटे फूल होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होती है। और पौधा जो है इससे पहले जो मैंने दिखाया था उसके मुकाबले थोड़ा सा छोटा होता है। गमले में लगाने के लिए ये वैरायटी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इस तरह के पौधे में आपको पिंक, रेड और जो कत्थई कलर है उसके कई शेड मिल जाएंगे। दोस्तों, पर्पल कलर के फूल से काफ़ी अलग डिज़ाइन इसका है, लेकिन कुल मिलाकर के ये भी राखी की तरह ही दिखाई देता है। दोस्तों, इसकी मिट्टी जब भी आप तैयार करें तो ऐसे मिट्टी होनी चाहिए जिसमें पानी ना जमे, और इसके लिए आप एक भाग रेत, एक भाग मिट्टी और एक भाग जो कंपोस्ट है ये ले सकते हैं और तीनों को ही आपस में बराबर बराबर मिला करके आप इसकी मिट्टी को तैयार कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप 12 इंच का गमला लेते हैं तो अच्छा रहेगा और बाद में इसको इससे बड़े गमले में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बेलदार पौधा है और जितने ज़्यादा जो बड़े गमले होंगे उसमें उतनी ज़्यादा बेल हो सकती है और उसको एनर्जी भी पूरी मात्रा में मिल सकता है। और दोस्तों, इसमें जो है फ्लावरिंग एक ही दिन होती है, यानी कि रोज़ाना इसमें फूल खिलते हैं, बिल्कुल गुड़हल की तरह सुबह फूल खिलते हैं और शाम को वो सूख जाते हैं, गिर जाते हैं। दोस्तों, जिन पौधों में रोज़ाना फूल खिलते हैं और रोज़ाना गिर जाते हैं, ऐसे पौधों के जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो भी ज़्यादा होती है।
इसलिए बीच बीच में आप इसमें जो पोटाश है उसका स्प्रे करते रहे, और अगर बोन मिल है तो बोन मिल का यूज़ भी आप इसकी मिट्टी में कर सकती हैं। केले के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र अगर आप इसको बीच बीच में देते हैं तो इसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहता है। दोस्तों, इससे पहले जो मेहरून कलर का फूल आपने देखा था वो मेरे पास ऑलरेडी है, और ये जो आप बेल देख रहे हैं ये जड़ समेत मैं लाया हूँ कहीं से। जो इससे पहले आपने देखा था पर्पल कलर का, तो वहीं से उसी के पास से एक पौधा ये निकला हुआ था, तो जड़ समेत मैं वहाँ से लेकर के आया, और आज जो है मैं इसको भी रिपोर्ट करने वाला हूँ। दोस्तों, जो ये पैशन फ्लावर है तो इसका जो है पहले से ये मेरे पास पौधा है, पहले ये गमले में लगा हुआ था, काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग आ रही थी, और आज भी देखिए इसमें काफ़ी सारी कली है, कल कई सारे फूल इसमें खिले थे, लेकिन इसको मैंने दो तीन दिन पहले ही अभी रिपोर्ट किया यहाँ पर बड़ी पेटी में जो थर्माकोल की पेटी है। चूँकि ये बेलदार पौधा है तो थोड़ी सी इसको ज़्यादा मिट्टी मिलेगी तो रेलिंग पर भी ये अच्छे से ऊपर चढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। तो इसी में ही मैं इस पर्पल कलर के फूल को भी लगाने वाला हूँ। तो एक साथ जब दोनों फूल हो जाएंगे, एक मेहरून कलर में और जो एक जो है पर्पल कलर में, तो दोनों का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इसको भी मैं यहाँ पर इस समय रिपोर्ट कर रहा हूँ। मिट्टी ऑलरेडी बनी हुई है, इसमें रेता भी मिला हुआ है, मिट्टी भी है, और हल्का फुल्का जो कंपोस्ट है वो भी मिला हुआ है, और थोड़ा सा गहरा गड्ढा खोद करके जो इसकी जड़ है, जड़ समेत इस तरीके से मैं इसको लगा दूंगा और ऊपर से इसको मिट्टी से कवर कर दूंगा। चाहे तो आप इसको जो है गमले में भी शुरू में लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चाहे तो आप 10 इंच का गमला ले लें या 12 इंच का गमला ले लें, क्योंकि बेलदार पौधा है तो थोड़ा सा बड़ा गमला भी होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोशिश करें कि छोटा अगर पौधा है तो 10 इंच के गमले में लगाएं और 3-4 महीने के बाद फिर उसको बड़े गमले में शिफ्ट करें। दोस्तों, इस पौधे में मैंने अभी तक बीमारियों का अटैक भी नहीं देखा, जबकि इसके आसपास गुड़हल के पौधे थे तो काफ़ी सारे मिलीबग लगे थे, लेकिन इस पौधे में मुझे मिलीबग भी दिखाई नहीं दिया और दूसरे तरह के कीड़ों का जो अटैक है वो भी दिखाई नहीं दिया। फिर भी प्रिकॉशन के लिए 20 से 25 दिन में अगर एक बार आप किसी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे पौधे में करेंगे तो पौधे के लिए काफ़ी अच्छा होगा। उम्मीद है दोस्तों आज का जो ये राखी बेल है, कृष्ण कमल है या पैशन फ्लावर है, ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, और अब आप भी जो है इस फूल को अपने आसपास की नर्सरी में ज़रूर ढूंढेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अभी के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया।